दे घर घर रोटी, यशोदा में मीना मोती, यशोदा बाटे घर घर रोटी। ओ चौरासी के पाप मालनी, चौरासी के पाप मालनी, नदी लुटायो है रे, नदी के हर्षोल्लास छाया हुआ है, हर्ष में गोकुल नगरी डूबी है। जहां देखो वहीं पर तोरण लगे हुए हैं, उत्सव मनाया जा रहा है। सुखदेव कहते हैं, ऐ परीक्षित गोपाल गोकुल छयाम चवार्षिक्यम कर्म दातुं कुरुद्वह। महाभाग परीक्षित, गोपों को ब्रज की रक्षा का भार सौंप कर कंस को वार्षिक कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए आज नंद बाबा मथुरा आ रहे हैं। कंस को कर देकर कारागार में वसुदेव जी से मिलने गए और अपने यहां जो पुत्र पैदा हुआ, लला पैदा हुआ, उसका समाचार वसुदेव महाराज से सुनाया और वसुदेव नंदराज को बधाई देते हैं कि बड़े हर्ष की बात है, आपका पुत्र चिरायु हो, दीर्घायु हो। इधर कन्हैया जब थोड़े बड़े हुए तो कंस को यह जब पता चला कि गोकुल में देवकी का आठवां पुत्र जन्म ले लिया है, पहुंच चुका है, तो कंस जो है परेशान हो गया और उसने कन्हैया को मारने को पुतना एगो राक्षसी को भेजा कि गोकुल में जितने उस समय के बालक पैदा हुए उन सब को जाकर के मार दो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी सिंसुषचार निघ्नन्ते पुरग्राम ब्रजादिषु। गांव गांव घर घर जाकर के जितने भी बालक हुए हैं उन सब बालकों का वध कर दो, मार दो। पूतना जो पवित्र ना हो, पूत कहते हैं पवित्र को, ना माने नहीं, जो अपवित्र हो वो है पूतना। आज पूतना बड़ी ही सुंदर रूप में अपने स्वरूप को बनाकर पूतना अपने अस्तन में भयंकर विष लगा करके, हलाहल जैसा विष लगा करके वो पहुंचती है गोकुल और बिना रोके टोके
यशोदा मैया के यहां उत्सव हो रहा है और वह पूतना घर में प्रवेश कर जाती है। बड़ा सुंदर रूप बना करके, गोपी का रूप बना करके यह पूतना गोविंद को मारने के लिए आई है, कन्हैया को। और यशोदा और मैया रोहिणी चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर पाए। पूतना घर में पहुंची, लला सोए हुए थे, कन्हैया सोए हुए थे, कन्हैया को अपनी गेंद में उठा लिया। उठा करके कन्हैया के मुख को अपने स्तन में लगा दिया। विष लगा करके आई थी। अब कन्हैया को जो ही अपना स्तन दिया पान करने के लिए, कन्हैया अपने नेत्र को बंद कर लिए। क्यों नेत्र को बंद कर लिए? नेत्र को इसलिए बंद कर लिए कि ये जो विष लगा करके आई है, मैं विष पान नहीं करता, मैं तो माखन और मिश्री खाने वाला हूं। हे भूत भावन, इस विष को आप पियो। और गोविंद नेत्र बंद करके पूतना के अस्तन को मुख से पान करने लगे। अभी तक तो पूतना समझ रही है कि साधारण बालक है, लेकिन हमारे गोविंद कृष्ण कर्षयति इति कृष्णा, जो बलाहक अपनी तरफ खींच ले, मन को आकर्षित कर ले, वो है कृष्ण। इधर जो है, जब भगवान गोविंद कन्हैया पूतना के अस्तन को पीने लगे तो दूध तो खत्म हो गया, जहर भी खत्म हो गया, उस पूतना के प्राणवायु को पी रहे हैं। अब जब कुछ देर हुआ बीता तो अब तो छटपटाने लगी, छोड़ दिया कन्हैया, गेदुर की तरह लटके हैं अस्तन को पकड़ करके। मुंच मुंच सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निस्पीडया मानखिल जीव मरमणि निवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। पूतना कह रही है, छोड़ दे छोड़ दे, मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। जब उसके प्राणायु को पीने लगे, उसकी जो है आंखें बाहर निकलना शुरू हो गई, वह हाथ पैर पटकने लगी, झटकने लगी कि ये बालक गिर पड़े। लेकिन कन्हैया तो चुंबक की तरह, जहां एक बार चपक गए तो कौन छुड़ा सकता है। अब वो रोने लगी, पसीने से लथपथ हो गई और बड़े जोर जोर शब्दों से डराने लगी। जब कन्हैया नहीं छोड़े तो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई, और जब भगवान उसके प्राणवायु को खींचने लगे तो वो जो है पूतना अपने शरीर को, बहुत बड़ी शरीर बड़ा किया, और वो जो है पूतना छह कोस का उसका स्वरूप आकार हो गया। और वो धाम से जब पृथ्वी पर गिरी तो सारे पेड़ पौधे चूर चूर हो गए। जब इतना जोर की आवाज हुई, भयानक आवाज हुई, तो यशोदा मैया, यशोदा रोहिणी और नंद बाबा गोपबाल सब दौड़ करके वहां आए और आकर के देखे कि इतनी बड़ी राक्षसी गिरी पड़ी है, जिसके शरीर के नीचे दब करके बन के ढेर सारे पेड़ सब नष्ट हो गए और लला कन्हैया उसके वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं।
दौड़ करके सीढ़ी मंगाई गई और लला को उस पुतना के ऊपर से उतारा गया। अब एक घटना घटी, कन्हैया जब वक्त असर से उतरे उसके, तो कन्हैया को गऊ के गोमूत्र मिला करके गोखुर से गो गऊ की रज से कन्हैया को स्नान कराया गया, लाला को नहलाया गया, बारह अंगों में तिलक लगाया गया। इसके पश्चात मैया ने गाय के पूंछ से झाड़ा लगवाया, कन्हैया को झरवाया कहीं कन्हैया को नजर न लग जाए। और इसके बाद ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ियों से काट काट कर उस पूतना के अंग को लकड़ियों के ढेर पर रख करके जलाया, लेकिन जब उसका शरीर जलने लगा तो उसमें इतनी सुंदर सुगंध निकली कि सारा ब्रज मंडल सुवासित तो हो गया। हमारे गोविंद पिए तो उसको मां की सद्गति दिया, यशोदा की जो सद्गति देनी चाहिए वो सद्गति आज पूतना को कन्हैया दे रहे हैं। और ये पूतना थी कौन? ये पूतना दानव राजबल की पुत्री थी, इसका नाम था रत्नमाला। जब बामन भरमाला गोविंद को स्वरूप को देख करके बहुत मोहित हो गई और उसने मन में भावना पैदा हुई कि काश इतना सुंदर, इतना सूर्य के समान तेजवान पुत्र मुझे भी होता तो मैं अपने पुत्र को अपने स्तन से दुग्धपान कराती। कन्हैया बोले कि हृदय से, मन से, भाव से, भावग्राही जनार्दना, प्रेम से जो भगवान के चरणों में मन लगा देता है भगवान उसको अपना बना लेते हैं। भगवान कहे ये मस्तु, ये तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन जब भगवान तीन पग स्वरूप को अपने बड़ा किया और जब आकाश और पृथ्वी को नाप लिया तो वही के मार धुआ, आज वही रत्नमाला है जिसको भगवान ने सदगति प्रदान की। अब इधर घर आए कन्हैया, थोड़े थोड़े बड़े हो गए। जब थोड़े बड़े हुए बिकैया बिकैया चलने लगे तो नंद बाबा कन्हैया को अपने पीठ पर और जो अश्व बना जाता है घोड़ा बने हैं और कन्हैया को पीठ पर बैठा कर चल रहे हैं। लेकिन कन्हैया को बैठा करके इतना आनंद आ रहा है, अरे श्याम बचपन में बन के बकैया चले कबहू पैया पैया चलैना, श्याम बचपन में बन के बकैया चले कबहू पैया पैया चलैना, श्याम बचपन में बन के बकैया चले कबहू पैया पैया चलैना, श्याम बचपन में बन के बकैया चले कबहू पैया पैया चलैना।
इधर उत्सव मनाने के बाद जब गोविंद और बड़े हुए तो मैया कन्हैया का श्रृंगार वगैरह करके माला वगैरह पहना करके कन्हैया को लाला को नींद आते देख करके एक गाड़ी के नीचे सुला दिया। नंदस्य पत्नी कृत मज्जनादिकं विप्रैः कृतस्वस्तयनं सुपूजितैः अन्नाद्यवासः स्त्रगभीष्टधेनुभिः संजातनिद्राच्छ मसीसयक्षनैः। जब मैया कन्हैया को उस गाड़ी के नीचे सुला दिया, कुछ समय पश्चात लाला को जब नींद लगी, लेकिन कन्हैया तो जग गए, लेकिन मैया और जो भी आए थे उनका सत्कार करने में लगी हुई थी। लाला को शकट में बैठे देख करके कंस का भेजा हुआ असुर शकटासुर देहाभिमानी देहाध्यास शकटासुर वहां पर आया कन्हैया को मारने के लिए। अब इधर कन्हैया जितने बड़े हो रहे हैं उधर कंस की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कंस और जब पैर को जब फेंकना शुरू कन्हैया तो जो शकट भंजन था शकट था राक्षस था अब उसी में लेटे हुए थे और कन्हैया जब अपने पैर को मारना शुरू किए जब कन्हैया का यह प्रहार उस शकट के ऊपर हुआ तो वह जाकर के गिर करके वह शकटासुर अपने प्राण को त्याग दिया। अब जब जोर की आवाज हुई तो गांव से जितने भी ग्वाल बाल थे वहां पर दौड़े। मैया यशोदा दौड़ी और लाला को कुशल देकर पुनः सब हर्षित हो गए। इसके बाद जब ये शकटासुर का जब वध हो गया तो कंस त्रिणावर्त को भेजा बवंडर के रूप में। त्रिणावर्त एक बवंडर का रूप धारण किया बड़ी जोर का आंधी जैसे बंडल जो घूमता है। दुष्टों का उद्धार कर देते हैं तो अपने भक्तों को सदगति क्यों नहीं देंगे। जब कन्हैया ऐसे ऐसे राक्षसों को उद्धार कर देते हैं तो अपने भक्तों को क्यों नहीं सदगति देंगे। किया मन लगाकर प्रेम से भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं तो जब मन और प्रेम से कन्हैया का हो जाएगा क्योंकि भाव बिना बाजार में मिले न वस्तु मोल। हरि बोल कैसे भाव से प्रेम से बोला जाता है। आए एक भजन भाव का धोखा हूँ
शंकराचार्य जी जो महान तपस्वी थे गोकुल में आए और गोकुल में आकर के जब आए तो कहा कि नंदराज जी ने कहा कि बड़े भाग्य से गुरुदेव आप आए हैं और आप जब पधारे हैं तो आज मेरे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। अब गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए रुकते हैं और शाम के समय जो प्रसाद बनाते हैं, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। गोविंद, जो आपने दिया आपको ही अर्पण है। भोग लगाते हैं, काफी देर बुला करके लगाते हैं तो कन्हैया खेल रहे हैं और आकर के कन्हैया उनके किए तो लाला आपका बहुत दुष्ट है, लेकिन ऐसे दो तीन दिन रुके थे। बार बार जब भोग लगाते कन्हैया आ जाते, मैया नहीं थी, आए कन्हैया और गर्गाचार्य जो ही भोग लगाया कन्हैया जब आए तो बोले कि बार बार मुझे बुला रहे हो, बार बार बुला रहे हो और मुझको लौटा दे रहे हो, ये कैसी प्रीति। तब कन्हैया गर्गाचार्य जी को अपना स्वरूप दिखाया। जब गर्गाचार्य जी ने कन्हैया के स्वरूप को देखा तो अगले दिन नामकरण करते हैं। नंद बाबा से कहा कि ए नंद बाबा, अपने पुत्रों को लेकर के गौशाला में आ जाइए, क्योंकि कंस तो ढूंढ रहा है मारने के लिए, राक्षस भेज रहा है मारने के लिए कन्हैया को। तो गौशाला में बुलाया, क्योंकि कोई भी यज्ञ अगर आप करो तो शिवालय में अनंत गुना, गौशाला में और नदी के तट पर, ऐसे जगहों पर उस पूजा का फल कई गुना प्राप्त होता है। तो गौशाला में नामकरण हो रहा है कन्हैया का, बुलाए कन्हैया को लेकर के मियां यशोदा और रोहिणी बलराम को लेकर के आई, आचार्य जी के पास पहुंची। अब गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये जो पहला पुत्र है संकर्षण वल्लभ राम, ये जो पहला पुत्र है आपका, इसका नाम राम राम होगा और बल अधिकम मसेति बला, ये बल में अधिक होने के कारण एक राम और बल बल राम नाम इसका होगा, क्योंकि राम रमनते योगिना, जो योगियों के हृदय में रमण करे वो राम है। संकर्षण सम्यक कर्षति एका करोति संकर्षण, जो संकर्षण कर दे, मिला दे, एक कर दे, वो है संकर्षण, इसका नाम बलराम होगा। बल में बहुत बलवान होगा ये, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। और ये जो दूसरा सांवला है ना, ये जो सांवला वाला है, इसकी तो क्या कहनी, कर्षतीति कृष्णः बलाहत, जो अपने मन की तरफ समस्त जीव को आकर्षित कर ले, खींच ले, इसका नाम होगा कृष्ण। नामकरण करके जाते हैं, इधर कहते हैं कि गर्गाचार्य गोविंद का जब नामकरण होता है, कितने बुद्धिजीवी हैं,
कालेन ब्रजताल पेन गोकुले राम के सब जानुभ्याम स पाणिभ्याम रिंगमाणो विजत हतो। अब कन्हैया ब्रजवासियों को आनंद कर रहे हैं, खूब खेल रहे हैं। और एक दिन यशोदा मैया दधि मंथन कर रही थी। अब जब दधि मंथन कर रही थी, जब कन्हैया थोड़े बड़े हुए तो कन्हैया जी गाय और बछड़ों को छोड़ देते थे और माखन को डाल देते थे, बछड़ों की पूंछ पकड़कर चलते थे, कभी गिर पड़ते थे। तो एक दिन मैया यशोदा ने एक देखा कि मैया बैठी हैं, तो कन्हैया ने कहा कि मैया मुझे वही एक खिलौना चाहिए। मुझको कौन सा खिलौना चाहिए? वो जो ऊपर आसमान में चांद दिखाई दे रहा है, ऐसी यही खिलौना मुझको चाहिए। और कन्हैया हट कर बैठे मैया से कि मैया वही खिलौना मुझे चाहिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौने लूंगा। मैया और मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए, वही चंद्र खिलौना चाहिए। अब देखा कि कन्हैया बहुत परेशान है, तो कहा कि कन्हैया ऐसे जैसे वो आसमान में चंद्रमा जैसा जो खिलौना दिखाई पड़ रहा है, ऐसा खिलौना मैं आपको ढेर सारों दे दे रही हूं। किसी तरह मनी मैया ने कन्हैया को मनाया। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितावानिति मात्रे न्यवेदयन। अब कन्हैया खेल रहे हैं, माखन जाकर के ग्वालियों के यहां चुराने लगे, अपने साथियों ग्वाल बालों को लेकर के चढ़ जाते चोरी से, और जो सिकरने पर जो गोपियां लोग अपने मक्खन को रखे रहती थी दधि को, कन्हैया सबको खड़े करके ऊपर बैठ करके और सिकहर पर पहुंच करके दधि को मटकी को उतार लेते थे, खिलाते सबको और स्वयं खाते नहीं थे, केवल अपने मुख में चपोड़ लेते थे। अब जो है कभी कभार गोपियों ने पकड़ा, ये तो नंद का लाला 1,25,000 गाय जिसके पास हो, ऐसा ये नंद का लाला चोरी करेगा, मैया मानेगी नहीं। अब एक दिन कहा कि अब मैया से मैं शिकायत करूंगी, आज मैं कन्हैया को पकड़ूंगी और ले जाकर के मैया से शिकायत करूंगी कि देखिए जब भी आपके पास शिकायत गई कि आपका लाला चोर है, चोरी करके दधि खाता है, आपने कभी विश्वास ही नहीं किया, जहां दूधों की धार बह रही है, दधि की धार बह रही है, उसको तो मेरा लाला कभी छूता ही नहीं, और तुम्हारे यहां जाकर के छोटी सी मिटकी में ये चोरी करेगा। एक दिन कन्हैया चोरी कर रहे थे, एक गोपी जो है ताड़े रखे थी कन्हैया को कि आज मैं इस कन्हैया की चोरी मैया को दिखाऊंगा। जाकर के जब चोरी गए करने कन्हैया, तो वो पीछे से के आई और सिकहर से जैसे ही मटकी निकाली गिरी, तो बड़ी जोर से जब आई बोली, आज मैं कन्हैया तेरी चोरी पकड़ ली है, आज ले चल करके मैं कन्हैया के पास ले चलूंगी और दिखाऊंगी। अब क्या था, सब तो भाग लिए, कन्हैया सबके ऊपर चढ़ करके निकाल रहे थे मटकी, तो जब नीचे से जो जिसके ऊपर कंधे पर पैर रख करके दो तीन लोग ग्वाल बाल जो है कन्हैया सबसे ऊपर खड़े थे,
और जब इन लोग ग्वाल बालों ने सुना उसकी आवाज गोपिका की तो पहले से भाग लिए और कन्हैया तो ऊपर से धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़े मटकी सहित लेकर के तुरंत आकर के कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। कन्हैया का हाथ पकड़ लिया और कन्हैया को लेकर के और घूंघट काढ़े हुए लेकर के जा रही है मैया के पास कि आज लला तेरी चोरी जरूर बताऊंगी, आज तुझको पकड़ाऊंगी, आज तुझे डंडा जरूर खियाऊंगी मैया से। अब कन्हैया जिसकी माया सबको नचाने वाली है, अब कन्हैया को कोई माया किसी की कन्हैया के ऊपर कर सकती है, लेकिन गोपी कौन है? गोपियां तो सब वही जो ऋषि है आज गोकुल में ब्रज में सब जो ऋषि तपस्वी थे वही गोपी बन करके आए हैं। लताएं सब गोपी बन करके आई है। आज गोपी जब हाथ लेकर के कुछ दूर आधी दूर पहुंची, जब नजदीक रह गया तो उसी गोपी का पति जा रहा था वो भी रास्ते में मिल गया। अरे कहां जा रही हो? अरे आज जा रही हूं नंद बाबा जी के घर। कन्हैया जो आज सारी चोरी बताऊंगी मैया जी से। अब कन्हैया क्या किए, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उसके पति का गोपी के, तुरंत जो है कन्हैया बगल हुए और उसके पति का हाथ उस गोपिका के हाथ में दे दिया और कन्हैया तो बगल से निकल लिए। अब ये तो बड़े तेजी से टाइट होकर के बड़े उससे कि आज तो मैं जरूर बताऊंगी दिखाऊंगी जब सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाण। अब नंद के यहां पहुंची, अरे ये सुधा मैया आज देखियो तेरो लाला माखन चोरी करते पकड़ो है। अब दो तीन बार जब आवाज लगाई द्वार पे खड़ी होकर के तो मैया आज निकली और देखती है तो अपने पति का हाथ पकड़े है। बड़ी जोर से मैया हंसती है, अरे वो गोपी कहीं तो पागल तो नहीं हो गई? अरे ये कन्हैया सबके चित में चढ़ गया है क्या? चित चोर यानी सोते जागते सब लोग यही कहते हो, अरे जरा अपना घूंघट तो उठाओ देखो किसको लाई हो। कन्हैया को लाई? हाँ कन्हैया को लाई हूं मैया, आज मैंने अपने आंखों से चोरी करते हुए पकड़ा है और आपके सामने लेके आई हूं, देखिए। अरे कहा पगली हो गई है क्या तू, मेरा कन्हैया कहाँ है? अरे जरा अपना घूंघट तो उठा। अब जब कन्हैया अपनी मैया के पास आ गए, ज्यों ही घूंघट उठा करके देखती है तो कन्हैया मैया के पास खड़े हैं, और ज्यों ही अपना मुख मोड़ करके देखती है तो अपने पति का हाथ पकड़े हुए हैं। अब कहा देखो मैया, गांव की जितनी भी एक ग्वाल बालिन है गोपियां हैं सब जबरदस्ती मुझ पर चोरी लगाती हैं, मुझको चोर बताती हैं। भला इतना जहां पर दूधों की धार बह रही है, दधियों दधी की बौछार हो रही है, मैं चोरी करने जाऊं? मैं चोर नहीं हूं मैया, जबरदस्ती लगाती हूं। अब अपने आप को कुटते हुई एक दधी माखन चोरी का भजन है, बहुत प्रिय गाते हैं, आए माखन चोरी की एक भजन श्रवण करते हुए। चोरी कर तो डोले चोरी कर तो डोले साम मुते सुधो Oh,
कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे नवेदयन। एक बार बलराम ग्वाल बाल कन्हैया खेल रहे थे तो देखा कि कन्हैया ने मिट्टी खा लिया। ग्वाल बाल बलराम सहित मैया यशोदा के पास पहुंचे और कहने लगे, अरे मैया ये जो कन्हैया है ना मिट्टी बहुत खाता है। आज हमने कन्हैया मैया से कहने लगे कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये लोग भैया बलराम भैया ग्वाल बाल झूठो दोष लगा रहे, झूठो बता रहे हैं ना, मैं मैया मिट्टी नहीं खाई। गोविंद अब मैया कह रही है कि दो बात हो जाएगी। ये बलराम कह रहा है कि तनु कन्हैया माटी खायो है, यदि तेनु माटी नहीं खायो तो मुख में मट्टी नहीं होगी। तो जरा अपना जो ही खुला मुख खोलते अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरी सरित सिंधु मही कानन। अब मैया तो चकरा गई, अरे भगवान यहाँ तो मुख में हम मिट्टी खाया कि नहीं खाया। थोड़ी देर बाद मैया तन पुल की तमुख। अब कन्हैया इतना भागे कि मैया थक गई। जब देखा कि मैया मेरी, अब रस्सी लेकर लला को कौन बांध सकता है। प्रयास करने लगी कि कन्हैया को बांधे, ग्रंथि दे, गांठ मारे, वो तो बंधन मुक्त है, अविनाशी है, उनको कौन बांध सकता है। उनको तो वही बांध सकता है अपने प्रेम की डोर में बांध सकता है। प्रेम की डोर हो तो कन्हैया बंध जाएगा। दम दाम बध्यमानस्य स्वार्भचकृतागतायुलोन संदधे यच्च गोपिका। रस्सी जो ही दो अंगुल छोटी पड़ी, लाला ने देखा कि मेरी मैया बहुत परेशान हो रही है। अब मैया के समझ में नहीं आ रहा है, तो जो प्रभु निराकार है
बंधन मुक्त है, सर्वशक्तिमान है, वह आज बंध गया है। उखल में मैया ने कन्हैया को बांध दिया। अब क्या था, कन्हैया को तो लीला करनी है, सब कुछ क्रमबद्ध से। जो ही मैया ने रस्सी से कन्हैया को उखल में बांधा तो सामने यमलार्जुन के दो वृक्ष खड़े थे। यमलार्जुन का उद्धार भी करना है। जब बंध गए कन्हैया, मैया जरा सी हटी तो कन्हैया उखल को घसीटते हुए, अब उखल इतना बड़ा तो है, अब घसीटते हुए उखल को लाकर के जो सामने ये अर्जुन का पेड़ है, दोनों बगल बगल में है, कन्हैया बीच से गए और जब ये फंस गया दोनों पेड़ के बीच में, उखल धड़ाम से दोनों वृक्ष गिरे और उस वृक्ष से दो देवता स्वरूप प्रकट हुए, दिव्य पुरुष निकले। क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले तल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त